हे यू गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं हिबिस्कस हेयर मास्क जो आपके हेयर की 10 प्रॉब्लम को उड़न छू कर देगा। यस, यू हर्ड इट राइट। ये होम रेमेडी साउथ इंडियन लोगों में बहुत ही फेमस है। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ वेकेशन में चिल करने, तो अपने हेयर को भी थोड़ा सा मैं चिल करा देती हूँ इस हिबिस्कस हेयर मास्क से। समर्स में ये मास्क आपके स्कैल्प को बहुत ही ठंडक देगा, साथ साथ बेनिफिशियल तो है ही, तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, ये आपके हेयर की 10 प्रॉब्लम को दूर कर देगा, तो बात करते हैं उस 10 प्रॉब्लम की। तो फर्स्ट है हमारा सबका फेवरेट हेयर फॉल। रिड्यूस हेयर फॉल, ट्रीट्स योर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर ग्रेइंग, नेचुरल कंडीशनर गिव्स यू शाइन एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, प्रिवेंट्स बैडनेस, स्टिम्युलेट्स हेयर ग्रोथ, नो मोर डल एंड ड्राई हेयर, प्रिवेंट्स स्प्लिट एंड्स, नो मोर हेयर थिनिंग। अपने हेयर के अकॉर्डिंग हिबिस्कस फ्लावर एंड लीव्स ले लेने हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ही फ्लावर मिला, इसलिए मुझे लीव्स ज़्यादा लेने पड़े एंड उनको थरोली वॉश कर लेना है टैप वाटर से, ताकि उसमें कोई भी डर्ट, धूल, मिट्टी, कचरा कुछ भी ना रहे। मुझे ज़्यादा फ्लावर नहीं मिले तो मैंने एक सूखा हुआ फ्लावर भी नहीं छोड़ा, उसको भी मास्क में यूज़ कर लिया। अच्छे से एक बार वॉश कर लेने के बाद सारा कुछ हमें एक मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। इसमें मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पतंजलि का यूज़ करने वाली हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो उससे बेटर क्या ही होगा। मैं अपनी हर होम रेमेडी में एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ क्योंकि इट्स माई फेवरेट, बट आपके लिए ये टोटली ऑप्शनल है, यू कैन हैप्पीली स्किप दिस। नेक्स्ट हम ऐड करने वाले हैं हमारे हेयर के लिए बेस्ट माने जाने वाला हेयर ऑयल, विच इज़ पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल, जो हम बचपन में यूज़ किया करते थे एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट। मिक्सी में सारा कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक फाइन ग्रीनी पेस्ट रेडी कर लेनी है। ये बहुत ही स्टिकी स्टिकी सी पेस्ट बनेगी एंड आई बिलीव जितने भी स्टिकी नेचुरल आइटम्स होते हैं वो हमारे हेयर को शाइनी सॉफ्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल, मेथी एंड मैनी मोर। पेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें एक बार अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, ताकि हमारे हेयर लेंथ में अच्छी तरह से पेस्ट अप्लाई कर सके। हेयर वॉश करने से पहले आपको हेयर मसाज करनी बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप चंपे भी कर सकते हैं, इससे आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। यहाँ मैं अपने इमेजिनेशन में गुम हूँ कि ये मास्क मैजिकली मेरी जुल्फों को बेहद खूबसूरत बना देगा। अगर आप ऑयलिंग करते हैं या ओवरनाइट ऑयल रखते हैं अपने स्कैल्प में, तो आपको स्कैल्प मसाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हेयर मास्क में हमें मास्क 30 या 40 मिनट्स रखना होता है और मास्क से वी कांट मसाज आवर स्कैल्प, दैट्स वाई ये बिफोर मास्क थेरेपी। एंड यहाँ यू कैन सी माई बिफोर हेयर टेक्स्चर, इट्स थोड़ा सा वेवी, डल एंड मैसी। अगर आप भी मेरी तरह हेयर मास्क लवर है तो आप जानते ही होंगे कि हेयर मास्क लगाना कितना मैसी प्रोसेस है। तो आपके सामने मैसी ना होते हुए मैं मास्क लगा के हाजिर हूँ आपके सामने पूरा ग्रीन ग्रीन होके। मास्क को अच्छे से स्कैल्प में और बच जाए तो हेयर लेंथ में लगा देना है और फिर टाई कर देना है अच्छे से। इस मास्क को हमें 30 या 40 मिनट्स के लिए रखना है, तो आप शांति से बैठ जाइए। मैं यहाँ इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती। एंड आफ्टर वॉश यू कैन सी द रिजल्ट गाइज, इट वॉज सो अमेजिंग एंड माई हेयर फील्स सो सॉफ्ट। एज यू कैन सी माई हेयर इज लुकिंग सो स्ट्रेट। वैसे भी मेरे हेयर स्ट्रेट हैं, बट इसीलिए मैंने आपको पहले मेरे बिफोर वाले हेयर देखने के लिए कहा था स्पेशली। इट वॉज सो स्ट्रेट एंड आई वॉज सो हैप्पी। शैम्पू करने के बाद मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया था। वैसे भी मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट होम रेमेडीज़ ओनली, बट हियर यू कैन सी द रिजल्ट
एंड द मैजिक ऑफ दिस मास्क के आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका एक एक हेयर इतना नरिश इतना केयर फील करेगा कि आप बात ही मत पूछो। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड नेक्स्ट होम रेमेडी तक कहीं मत जाना जाना क्योंकि लौट के यही है आना। बाय बाय।